हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू होप सो आप बहुत अच्छे होंगे मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है एंड आज आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमी इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप की स्टडी प्लानिंग जो भी स्टूडेंट सेम इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप देना चाहते हैं एंड उनका टारगेट है कि दिसंबर ट्वेंटी वन में बोथ ग्रुप भी दे क्वालिफाई भी करें और रैंक भी ले जाए तो ये वीडियो आपके लिए आप डेफिनेटली इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना आपको वो सारे टारगेट और सारी स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप वन शॉर्ट सी एम इंटरमीडिएट क्लियर कर सकते हो तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप सी एम ए में आपको याद रखना है आपके लिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थर्टी फर्स्ट जुलाई है आपको थर्टी फर्स्ट जुलाई से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है अदरवाइज आप दिसंबर टेम्प के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे तो फर्स्ट थिंग्स आपको रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर थर्टी फर्स्ट जुलाई लेना है सब्जेक्ट टू कोई फर्दर नोटिफिकेशन ना एडमिशन के डेट एक्सटेंड होने का सेकेंड थिंग हम बात करें कोर्स स्ट्रक्चर अगर आप सी एम ए इंटरमीडियट में हो तो आपको मालूम होना चाहिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इसके अलावा आपको क्या अदर थिंग्स आपको करनी है तो सब्जेक्ट्स आपके पास एट सब्जेक्ट्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर फाइव से लेकर पेपर नंबर ट्वेल्व कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट इसके अलावा आपको कुछ अदर सर्टिफिकेशन कोर्स करना है एस ए पी से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम्स एंड ई फाइलिंग से रिलेटेड आपको सारे कोर्सेज करने हैं तो आपको कौन सी कोर्स कब करनी है आपको क्लासेस किस तरीके से लेनी है वो सारी चीज़ें मैं वन बाई वन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ सबसे फर्स्ट थिंग्स क्या आपको कितने टाइम चाहिए आपको क्लासेस करने के लिए एटलीस्ट सिक्स टू सेवन मंथ चाहिए होंगे बिकॉज एट सब्जेक्ट्स हैं कम से कम सिक्स टू सेवन मंथ आपको लग जाएगा अगर आप क्लासेस लोगे तो रिविजन करने के लिए कितना टाइम कम से कम आपको देना होगा अगर आप चाहते हो कि रैंक का या फिर आप अच्छे मार्क्स लाके के क्वालिफाई करना चाहते हो या वन शॉट क्लियर करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको टू पॉइंट फाइव मंथ से थ्री मंथ्स आपको देने पड़ेंगे इंटरमीडिएट के लिए रिविजन के लिए ओके okay? नेक्स्ट हम बात करते हैं आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये जानना चाहते हैं उन्हें कौन सी टीचर से क्लासेज लेनी चाहिए बिकॉज अभी आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो एंड आपके पास मैक्सिमम टेन मंथ्स हैं अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया मतलब एक भी अगर आपने गलत टीचर ऑप्ट कर लिया तो आपके पैसे तो जाएंगे पैसे के साथ साथ आपका टाइम वेस्ट होगा तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका पैसा एंड टाइम दोनों वेस्ट हो इसलिए मैंने वो सारे फैकल्टीज़ को चूज़ किया है जो वन ऑफ द बेस्ट इन मार्केट अभी हैं उसके बेसिस पे मैंने सारे फैकल्टीज़ को मैंने ऑप्ट किया है आप इस अकॉर्डिंग आप क्लासेस ले सकते हो ओके okay? तो मैंने यहाँ पे सारे टीचर्स के नाम ऑलरेडी मैंशन्स कर रखे हैं आप इसको देख सकते हो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए संतोष कुमार सर है लॉ के लिए मोहित अग्रवाल सर या सिद्धार्थ अग्रवाल सर आप क्लासेस ले सकते हो डायरेक्ट एस के लिए सूरज अग्रवाल या रंजीत कौर सर से आप क्लास ले सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए सुमित रस्तोगी सर या फिर आप सतीश जलान सर से आप क्लास ले सकते हो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एस देखो एस एम कम्प्लीटली थ्री सब्जेक्ट है आप किसी भी टीचर के पास जाओगे वो जस्ट एक बार रीड आउट कर देंगे और एट द एंड आपको उसे याद खुद से करना पड़ेगा तो आपके पास दो ऑप्शन है एक तो आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से आप पढ़ लो उसको याद कर लो एस को सेकेंड ऑप्शन क्या मार्केट में जो भी टीचर्स एस को पढ़ा रहे हैं उनके अगर आपको नोट्स कहीं से मिल जाते हैं नोट्स को सिर्फ फोटो कॉपी कर लो एंड उसको आप एवरी डे टाइम दे के आप उससे एस एम आप पढ़ लो ओके ये दो ऑप्शन है आपको यूट्यूब पे छोटे बहुत छोटे छोटे वीडियो जरूर मिल जाएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के आप वहां से आप देख सकते हो ओके बट ये मैं आपको ये दूंगा से सेल्फ करो एट सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आप हर एक की नहीं ले सकते आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाई सेल्फ करना पड़ेगा तभी आप सारी चीजों को आप मैनेज कर पाओगे इसके अलावा भी जो बाकी सारे सब्जेक्ट है उसके आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बाइस सेल्फ कर सकते हो बाई सेल्फ ईजिली आप कर लोगे सेल्फ करने के लिए आप इसके आप नोट्स मार्केट में कुछ ना कुछ टीचर्स की ज़रूर मिल जाएगी अगर मैं आपको सबसे अच्छी फैकल्टीज के नाम बताऊं, तो सूर्व बंसल है जिनका नोट्स आता है सीए इंटरमीडिएट के लिए बट उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है तो उन उस बुक में जो आपसे रिलेवेंट जो कंटेंट है आप उसके से फोटो कॉपी ले लो मार्केट से या किसी आपका कोई सीए फ्रेंड है तो उससे आप जिरस करवा लो ओके okay? सिर्फ उतना कंटेंट लो उसमें काफी शॉर्ट में और काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा तो है तो इसके बाद अगर हम बात करें तो हाउ मेनी क्लासेज कैन टेक एट टाइम आप एक टाइम में कितने की आप क्लासेस ले सकते हो देखो तो एक टाइम में आपको एटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी और मैंने उसका सीक्वेंस भी आपको बता दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग लॉ एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये तीन सब्जेक्ट की क्लासेज आपको पहले लेनी है इसके बाद फिर डी टी एंड कंपनी अकाउंट्स इसका अलावा जब कंपनी अकाउंट्स की क्लासेज खत्म हो जाए तो आपको ओ की क्लासेज लेनी है हाँ यहाँ मैं आपको बता दूँ यहाँ जो ओ के लिए मैंने अमरिंदर सर लिखा है ये अमरिंदर सर सूरज सूरज अग्रवाल क्लासेज में पढ़ाते हैं तो उनकी भी क्लासेज सूरज अग्रवाल सर के साथ ही आपको मिल जाएगी अगर मैं डी टी आई डी टी कंपनी अकाउंट्स कंपनी अकाउंट्स जब आपका खत्म हो जाए तो आप ओ एम कर लेना बिकॉज कंपनी अकाउंट्स फिफ्टी मार्क्स का है ओ एम सेवेंटी मार्क्स का है तो जब ये खत्म हो जाए तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट को आप स्टार्ट कर सकते हो एंड लास्ट में आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑडिट एंड एस एम आपको ये तीन सब्जेक्ट करनी है तो आपको तीन तीन सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है देखो तो एक क्लासेज टू आवर्स से टू पॉइंट फाइव आवर्स का होता है इससे ज़्यादा का कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको नहीं मिलेगी तो अगर तीन सब्जेक्ट की आपको क्लासेज करनी है तो सेवन पॉइंट फाइव आवर्स है मान के चलो एट नहीं नाइन आवर्स के आपके क्लासेज हो गए उसके बाद आपको कम से कम दो घंटे आपको रिवीजन के लिए आपको देना पड़ेगा बिकॉज इंटायर डे में आपने क्या पढ़ा एक बार उसको आपको जस्ट रिकॉल कर लेना चाहिए नहीं तो क्या होगा सिर्फ आप बुक से और क्लासेज करके और बुक्स कॉपी को बंद करके रख दोगे नेक्स्ट डे फिर न्यू क्लासेज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक रिविजन गैप आएगा और एट दी एंड जब आप रिविजन करने बैठोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको मालूम ही नहीं होगा कि कैसे आपने पढ़ा था सोल्यूशन कैसे किया था

अगस्त सितंबर तक ये जा सकता है दो तीन महीने तो आपको लग जाएंगे इस सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम को कम्प्लीट करने में तो उससे भी आपको इसी बीच में करना है फिर इसके पेपर्स होंगे आपको उसके एग्जाम्स भी क्वालिफाई करना है तो आपको सब कुछ एकदम प्रॉपर प्लानिंग से के साथ करना पड़ेगा इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन के साथ साथ सीएमए इंटरमीडिएट का एक मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलता है जो भी स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनको एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है तो मेरिट सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा वेन टू to... सबमिट असाइनमेंट देखो असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी नहीं है ओके okay? बट अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो तो आपकी एडमिट कार्ड आने में प्रॉब्लम्स हो सकती है और एट दी एंड मोमेंट आपको पता चले कि एग्जामिनेशन फॉर्म एग्जाम आपका सबका एडमिट कार्ड आ गया और आपका एडमिट कार्ड नहीं है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो बहुत आपको हॉर्ट होगा कि आपने इतने मेहनत से पूरे साल पढ़ाई की और जब एग्जाम देने का टाइम आया तो आपके पास एडमिट कार्ड ही नहीं आया तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप डेफिनेटली आप इनके असाइनमेंट्स बना के इंस्टीट्यूट को सबमिट कर देना अब यहाँ पे मैंने रिवीजन प्लान बनाया है देखो सितंबर एंड अक्टूबर टू मंथ्स होंगे जहाँ पे आपको रिविजन करने हैं नवंबर के लिए मैंने एक अलग सी स्ट्रेटी प्रिपेयर किया है सितंबर एंड अक्टूबर के लिए आपको यही स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है यहाँ पे मैंने हर एक डे टाइम सारे सिक्वेंस में मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग आपको दे रखी है मैं आपको इसमें एक समराइज में मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो मैं मॉर्निंग में मैंने हमेशा थ्यूटिकल सब्जेक्ट को डाला है बिकॉज क्या होता है मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश होता है हम थ्यूटिकल सब्जेक्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें रिटेन हो जाती है ओके okay. तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में आपको थ्यूटिकल सब्जेक्ट डाला है एंड उस पार्टिकुलर प्रैक्टिकल भी एट द एंड डाला है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ आपको शाम को भी लॉ पढ़ना है यहाँ आपको डे भी पढ़नी है ओके okay. तो अब यहाँ पे लॉ की जो सब्जेक्ट है इसमें आपको करना क्या है नौ से दस में यहाँ पे जो आप लॉ पढ़ोगे इस लॉ में आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको सॉल्व करने हैं लॉ के आपको हर एक सब्जेक्ट में जब आप स्कैनर देख लो या पास्ट ईयर के वर्कबुक देख सकते हो वर्कबुक स्कैनर एमटीपी इसमें आपको कहीं ना कहीं केस स्टडी या एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सारे अवेलेबल होते हैं तो एवरीडे आपको फाइव क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिस जिस दिन लॉ का रिविजन है ओके जिससे क्या होगा हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जो वीक हो या फिर ऐसा होता है जब मैंने अपना एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम तो मुझे कॉन्सेप्ट तो याद थे बट एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है स्टार्ट कैसे करना है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे इसलिए जब मैंने ग्रुप टू का एग्ज़ाम दिया तो मैंने छुटका सब्जेक्ट को इतने अच्छे से याद किया उसको लिख लिख के याद किया बोल बोल के याद किया जिससे मुझे रूटीन हो गया जैसे बचपन में हमें ए बी सी डी सिखाया जाता है मैंने सेम उसी स्ट्रेटेजी को अपनाया बोल के याद करने में और इसलिए मैं ग्रुप टू में तीन पेपर एग्जैम्ट हो गए थे इंटर में आउट ऑफ फोर तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी बिकॉज थ्योरेटिकल को आप छोड़ नहीं सकते हो और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं पहले प्रैक्टिकल कर लेता हूं या पहले मैं क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूं एट द इंड आके करूंगा या थ्योरेटिकल सबसे लास्ट के लिए छोड़ देते हैं तो बाबू थ्योरेटिकल कभी लास्ट में कम्प्लीट हो ही नहीं सकता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ता है प्रैक्टिकल आप लास्ट में कर सकते हो लेकिन थ्योरेटिकल कभी भी लास्ट में नहीं हो सकता उसको रिटेन करने में टाइम लगता है इसलिए आप डेली बेसिस पे इस प्लान को आप फॉलो करो रिविजन करो और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आप फर्स्ट टाइम जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट्स में हर एक चैप्टर में आपको ऐसे फाइव सिक्स सेवन क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आप बार बार फंस रहे हो ठीक है या सर उस क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेक कर रहे होंगे आपको उन सारे क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करना है बिकॉज जब आप रिवीजन करने बैठोगे इस रिवीजन प्लान में तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं हर एक चैप्टर के आपको उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो सबसे डिफिकल्ट है और उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन को आप शॉर्टलिस्ट करो जिसमें आप जब फर्स्ट टाइम रिविजन करो तो किसी पार्टिकुलर चैप्टर के पांच क्वेश्चन बना लिए फिर सेकेंड टाइम रिविजन करने गए तो फिर नेक्स्ट फाइव बना लिए फिर थर्ड टाइम जब रिविजन करने गए तो फिर नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन बना लिए मतलब पंद्रह क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं बनाना पंद्रह क्वेश्चन में से पाँच से छः क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम बनाना है फिर जब सेकंड लॉट में जब रिवीजन का टाइम आएगा तो फिर आप नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन बना लो फिर थर्ड लॉट में इस तरीके से जिससे क्या होगा आपका सारा सिलेबस रिवीजन भी हो गया और रिपीटेड टाइप का नहीं हुआ जिससे आपको चीजें रिटेन हो जाएगी ज्यादा लंबे समय तक और एट देंड आपको एवरी डे जो पूरे दिन में आपने पढ़ाई की है उसको आपको रिकॉल जरूर करना है जिससे आपको सारी चीजें याद रहे कि आपने पूरे दिन में क्या क्या चीजें पढ़ी कहाँ आपसे मिस हुआ क्या चीजें आपने गलती की वो सब कुछ एट द एंड आपको याद होनी चाहिए जिससे आप वो मिस्टेक्स वो गलतियां दोबारा ना करो और आपको सारे कॉन्सेप्ट ऊपर क्लियरिटी भी पकड़ रहे ओके और एट दिन संडे को आपको अपना खुद का होल वीक में आपने जितने भी कंटेंट पढ़े उसका आपको खुद से टेस्ट करना है खुद का अब टेस्ट का मोड दो तरीके से होता है या तो आप ओरल मोड में अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो पार्टिकुलर क्वेश्चन फॉर्मेट में या फिर आपने जो पूरे बुक में पूरे वीक में जो आपने पढ़ाई की उसका स्कैनर उठा लो उस बुक के चैप्टर्स के और उसके क्वेश्चन आंसर आप चेक कर लो देख लो सॉल्व कर लो ठीक है बट आपको करना जरूरी है लास्ट फोर्टी डेज का प्लान क्या है मैंने जो अपने टाइम में किया था कि मैं एक सब्जेक्ट को लेता था उसको कम्प्लीटली मैं थ्री डेज में कर लेता था थ्री डेज में देता था उसके मैंने पहले एक दिन में मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए बाकी दो दिन में मैं सारे क्वेश्चन आंसर को रिकॉल कर लेता था बिकॉज अब क्या है लास्ट मोमेंट पे आपने ऑलरेडी दो मंथ टाइम दे के आपने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिया तो अब इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है हर एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आप लिख के सॉल्व कर लो और दो तीन क्वेश्चन आप ओरली चेक कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन का सोल्यूशन इस फॉर्मेट में होता है बिकॉज होता क्या है कि कभी कभी हम फॉर्मेटिंग भूल जाते हैं तो अगर आप मल्टीपल टाइम्स आपने ऑलरेडी कर रखा है तो एक दो बार आप देख लोगे तो काम चल जाएगा ठीक है तो अब इस तरीके से आपको करना है मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको फोर डेज दिया है बट अगर आप थ्री डेज में कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप सेकेंड टाइम भी रिविजन कर सकते हो फोर डेज दिया है मैंने बिकॉज मुझे नहीं पता कि कोई स्टूडेंट्स कितना ज्यादा कितने कम टाइम में कोई रिवाइज कर लेता है कोई ज्यादा टाइम भी लगा सकता है इसलिए मैंने एक फोर स्टैंडर्ड डेज लिए हैं जिसमें आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है फिर उस चैप्टर्स के क्वेश्चन जो आपने टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट कर रखा था उसमें से फाइव टू सिक्स क्वेश्चन को आपको चेक करना है सॉल्व करके रिटर्न फॉर्मेट में या ऑडिटिव ऑडिटिंग के फॉर्मेट में आपको जस्ट रिकॉल करना है ओके okay? और किससे करना है अगर आपने क्लासेस लिया है तो आपको स्टडी मैट मिलेगी पार्टिकुलर टीचर की उस स्टडी मैट से प्लस उनके पास ऑलरेडी स्टडी मैट में एमटीपी स्कैनर वर्कबुक के क्वेश्चन को इंसर्ट कर देते हैं वो बट आप फिर भी आप अगर आपके बुक में अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आप स्कैनर सजेस्टेड आंसर आप ये सब जरूर देख लेना बिकॉज तो कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि पास्ट ईयरस के क्वेश्चन एज इट इज सिर्फ अमाउंट चेंज कर दिया फिगर चेंज कर दिया नाम चेंज करके वो दे देते हैं तो आपको सारी चीजें के ऊपर ध्यान देना है एम तो जरूर बना के जाना जो आपके टाइम में जो लेटेस्ट एम आती है वो डेफिनेटली आपको करके जाना है ओके okay? तो आपको इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है दो दिसंबर तक का प्लान है इसके बाद बचते तो कितने फाइव डेज फाइव डेज में आप इंटायर सिलेबस को जस्ट एक बार रिकॉल कर लो पेज पलट लो जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रह जाए ये कंप्लीट प्लान था आपके सी एम इंटरमीडिएट बोथ रूप का इस प्लानिंग के साथ अगर आप करते हो तो आपका डेफिनेटली बोथ ग्रुप वन शॉट क्लियर हो जाएगा ओके थैंक्स बाय टेक केयर होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर करना जरूर जिससे मल्टीपल स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक